नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो संसद में और संसद के बाहर सड़क पर लोकसभा का चुनाव आने के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनकर उभरे हैं। अब बजट सत्र है, 23 को बजट पेश होना है। सवाल उठता है कि यह क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरदर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, या राहुल गांधी ही सेराडोन का काम करेंगे? राहत देने का काम क्या राहुल गांधी ही करेंगे? क्या जो निर्मला बजट आएगा उसमें राहुल गांधी की निर्मल घोषणाओं की कोई छाप हमें दिखाई देगी? जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यह संभव हो सकता है, और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, चुनावी मजबूरियां भी हैं। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं, महंगाई घटी नहीं, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। इसके अलावा तुर्रा ये है कि विधानसभा की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, पार्टी के अंदर के झगड़े बढ़ रहे हैं, संघ प्रमुख नसीहत पर नसीहत दे रहे हैं, और उस पर तुर्रा ये कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले 2-3 महीने में होने हैं, जिसको लेकर बहुत अच्छी तस्वीर अभी से पेश नहीं की जा रही। कहा जा रहा है कि आईबी की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो क्या कांग्रेस का राहुल गांधी की तरफ से तैयार किया गया घोषणा पत्र एक बड़ी संजीवनी बूटी का काम कर सकता है? प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर चुनाव के दौरान 4 जातियों की बात कही थी, गरीब, किसान, महिला और युवा, लेकिन इन चारों का वोट बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम मिला। युवाओं की बात करें तो 18 से 35 साल के आयु वर्ग के लोगों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया। गरीबों की बात की जाए तो 10,000 महीना से लेकर 20,000-25,000 महीना कमाने वालों ने ज्यादा बड़ी संख्या में राहुल गांधी के घोषणा पत्र पर यकीन किया। महिला लाभार्थी वर्ग की सबसे बड़ी सदस्य हैं, लेकिन महिलाओं का वोट भी उस रूप में मोदी को नहीं मिला जिस रूप में मिलना चाहिए था। ऊपर से राम मंदिर चला नहीं, हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, तो अब छवि ऐसी बन गई, अडानी अंबानी की सरकार है, 6-7 करोड़पति कॉरपोरेट जगत के लोग सरकार चला रहे हैं, अमीरों के लिए मोदी काम करते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि समाज का जो 40% नीचे का तबका है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। तो रेडीमेड है जो कुछ राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया था उस पर अमल करने का। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करेंगे। खास तौर से जो राहुल गांधी ने महालक्ष्मी योजना की बात कही थी कि महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपया डाला जाएगा, 8,500 रुपये प्रति माह, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद के भाषण पर, जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसमें बहस में हिस्सा लेते हुए इस 8,500 रुपये का जिक्र किया था। हल्का सा तंज कसा था, लेकिन अंदर अंदर वो समझ रहे हैं कि उनकी जो लखपति दीदी योजना है उसमें थोड़ी थोड़ी ध्वनि महालक्ष्मी योजना की भी सुनाई देती है। तो क्या महालक्ष्मी योजना कांग्रेस की और लखपति दीदी बीजेपी की, इसको क्लब करके मिलाकर एक नया मसाला, एक नई योजना पेश की जाएगी जिसमें महिलाओं के लिए जनधन अकाउंट के जरिए 8,500 राहुल गांधी कह रहे थे, क्या 11,000 कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अहिल्या बाई के नाम पर हो सकता है, कस्तूरबा गांधी के नाम पर हो सकता है, या कोई और कोई चौंकाने वाला नाम लाया जा सकता है। नाम पर आप मत जाइए, योजना पर जाइए। मुझे लगता है ऐसा कुछ ना कुछ करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री शायद उस तरफ काम करें। दूसरा बात इसमें ये उभर कर आती है कि किसानों के लिए तो राहुल गांधी ने कहा था MSP को लीगल राइट बनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट सिफारिश हूबहू ज्यों की तो पारित कर दी जाएगी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पर 50% मुनाफा, यानी कुल किसान का जो खर्चा होता है, जिसमें जमीन अगर वो किराए पे लेता वो भी खर्चा शामिल है, उस पर 50% का मुनाफा। ये काम तो मोदी जी नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू किया, 6,000 रुपया दे रहे हैं हर महीने, 500 रुपये, 2,000 रुपये हर चौथे महीने मिलते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 5 साल की महंगाई
दर को भी इसमें समायोजित किया जाए तो क्या ये 12,000 हो सकता है, 1,000 रुपया प्रतिमाह हो सकता है? और क्या इसमें जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है, जैसा कि नवीन पटनायक ने उड़ीसा में अपनी कालिया योजना में शामिल किया था, और इसके साथ साथ जो बटाई पर काम करते हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की किसानों को लेकर जो योजनाएं थी उसमें से एक कुछ इस तरह से बात निकालने की कोशिश की जा सकती है, जिससे कि MSP को लीगल राइट बनाने की बात हो, वो वाली थोड़ी सी बात नीचे दब जाए। किसान इससे सहमत होंगे नहीं होंगे ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है, जो कि शंभू बॉर्डर पर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया तो वहीं से वो कूच कर देंगे और दिल्ली में डेरा जमा कर बैठ जाएंगे। अभी से वो चेतावनी दे चुके हैं, 6 महीने का राशन पानी इकट्ठा किया जा रहा है, तो मोदी समझ रहे हैं कितना बड़ा सरदर्द ये किसान वाया राहुल गांधी साबित हो सकते हैं। और राहुल गांधी के तीर से ही, के तरकस से ही एक तीर निकाल कर क्या किसानों के इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बजट के जरिए कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी ने देखिए 2019 में भी न्याय योजना का प्रस्ताव रखा था, बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उस समय इसको वो बेच नहीं पाए, जनता उसको खरीद नहीं पाई, वो अलग बात है। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ एक बड़ा कदम था कि देश की सबसे गरीब 20% आबादी को हर महीने 6,000 रुपया यानी साल के 72,000 रुपया दिया जाए। महालक्ष्मी योजना इसी का थोड़ा दूसरा परिवर्तित रूप था, महिलाओं को टारगेट करते हुए 72,000 की जगह 1,00,000 रुपया कर दिया गया था। क्या मोदी को भी अब जरूरत महसूस होने लगी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाया जाना जरूरी है, जिस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में असमानता 20 लाख 30 लाख गुना बढ़ गई है, यानी सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी के बीच में जो आय है, संपत्ति है, उसमें 20-30 लाख गुना का फर्क है। तो ये एक राजनीतिक मजबूरी क्या मोदी की हो सकती है, खासतौर से विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और विधानसभा चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में खेल हुआ, झारखंड में खेल हुआ, हरियाणा में खेल हुआ, यानी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई तीनों राज्यों में, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बुरी स्थिति पैदा हो सकती है, उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग सकता है। तो क्या राहुल गांधी यहाँ भी खेवनहार साबित होंगे? क्या उनकी न्याय योजना को परिवर्तित रूप से प्रधानमंत्री बजट में शामिल करके अपनी जीवन नैया, अपनी जो पॉलिटिकल जीवन नैया है, उसको किनारे तक ले आएंगे? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल उठता है। राहुल गांधी ने पिछली बार जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी योजना ऐलान की थी, राजस्थान की जैसे चिरंजीवी योजना को उन्होंने देश भर में फैलाने की बात कही थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हर वर्ग के लिए, हर महिला पुरुष बच्चे सबके लिए, हर जाति के लिए, कोई टारगेटेड नहीं था कि SC ST OBC, सभी के लिए। प्रधानमंत्री ने इससे थोड़ा सा तो सबक लिया और आयुष्मान योजना का विस्तार किया, जिसमें 70 साल से ऊपर के लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन क्या 140 141 करोड़ की पूरी जनता को प्रधानमंत्री अपनी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आएंगे? एक तरह से चिरंजीवी योजना को अमल में ले आएंगे, जो राहुल गांधी के घोषणा पत्र में जिसका जिक्र किया गया था, ये महत्वपूर्ण सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है नौकरी की। प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से चलाते रहे हैं अपनी योजना, जिसके तहत 3 श्रेणियों में बेरोजगारों को पैसा भी दिया जाता रहा है, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं हुआ है उस योजना का। 28 लाख करोड़ रुपया उस योजना के तहत अभी तक बांटा भी जा चुका है, लेकिन पॉलिटिकली भी कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके बहाने राहुल गांधी जो अपनी योजना लेकर आए, पहली योजना नौकरी पक्की, चुनावी घोषणा पत्र में जिन्होंने जिक्र किया कि स्टाइपेंड दिया जाएगा निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में ऐसे बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, तो वो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लाभ भी मिलता है और डायरेक्ट युवाओं को आगे बढ़ने का, खुद काम सीखने का, काम धंधे में लगने का, यानी किसी फैक्ट्री में काम नहीं मिला तो खुद के दम पर अपने रोजगार को चलाने का फायदा मिलता है। तो क्या इस योजना पर भी अमल करेंगे? इसका नाम कुछ बदल दिया जाएगा और बदली हुए नाम के साथ इस योजना को सामने रखा जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर बजट में ये सारी चीजें हैं जिस पर नजर रखना जरूरी होगा। और क्या बजट जब पेश होगा तो हम लोग कह सकेंगे कि इसमें राहुल गांधी की छाप दिखाई देती है?
कांग्रेस के घोषणा पत्र की छाप दिखाई देती है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की जो लेफ्ट टू सेंटर है उसकी कहीं ना कहीं छाप दिखाई देती है, और राइट टू सेंटर से बीजेपी क्या लेफ्ट टू सेंटर की तरफ थोड़ा बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।